ये जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स की प्लेलिस्ट है ना ये सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम नहीं अगर आप बाकी भी कोई और एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी यूजफुल रहेगी सो द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू कवर टूडे इज योर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पम्प बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर से फ्रेम हो सकते हैं काफी सारे फैक्ट इस स्कीम के अंदर हम देखेंगे एंड ईच एंड एवरी फैक्ट कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन जो आई बी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ध्यान से इस स्कीम को क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं सो अस स्टार्ट तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को समझेंगे स्कीम uh, के पीछे तो देखो 1991 से लेकर के अगर हम प्रेजेंट डे तक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये जो नेशनल स्कीम है ऑयल सीड्स के ऊपर ये पहला एक इनिशिएटिव है ठीक है इससे पहले भी सरकार बहुत सारे एफर्ट्स कर चुकी है इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स और ऑयल पाम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के विद टाइम डिफरेंट डिफरेंट इनिशियटिव आए हैं अगर आप 2014-15 से देखो 2020-21 तक प्रोडक्शन के अंदर काफी ट्रिमेंडस इंक्रीज आया है ऑलमोस्ट 100 लाख टन का इंक्रीज देखने को मिला और वो कहीं ना कहीं सरकार के एफर्ट्स उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं 2014-15 में ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन थी इंडिया में 275 लाख टन थी और अब दो हजार -20 में बढ़कर के 365.65 हो चुकी है एक ना सरकार ने पोटेंशियल देखने के लिए कि यार पोटेंशियल कितना है हमारे यहां पर ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करने का या ऑयल पाम को प्रोड्यूस करने का तो सरकार ने एक असेसमेंट करवाई किससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च को बुलाया बिठाया कहते तुम एक असेसमेंट करो और हमको ये बताओ कि कितना एरिया जो है हम यूज कर सकते हैं ऑयल पाम के अंडर और कितना एरिया अभी तक हमारे पास यूज हो रहा है तो इन्होंने रिसर्च करके बोला कि देखो जी 28 लाख हेक्टेयर जो जगह है इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है या इंडिया के पास जो लैंड है वहां पर आप ऑयल सीड या ऑयल पाम की कल्टीवेशन कर सकते हो तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है तो सरकार ने बोला कि यार ये भी बताओ हमको कि अल्टीमेटली हम कितना यूज कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि देखो अभी तक हम सिर्फ थ्री पॉइंट सेवन जीरो लाख हेक्टेयर यूज कर रहे हैं यानी कि अभी तक हमारा ऑलमोस्ट नाइन टाइम्स जो लैंड है जहां पर हम एफिशिएंटली ऑयल पाम को ग्रो कर सकते हैं वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ऑयल पाम हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं दुनिया के अंदर मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल ऑयल सीड्स और पाम को ठीक है तो इंपोर्ट बिल हमारा ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा अब ऑयल पाम बाकी ऑयल सीड्स के मुकाबले फायदेमंद क्यों है क्योंकि ऑयल पर हेक्टेयर अगर हम देखें तो वो ऑयल पाम में बाकी ऑयल सीड्स के मुकाबले दस से फोर्टी टाइम्स तक ज्यादा होता है ठीक है एंड अराउंड फोर टन ऑयल पर हेक्टेयर का येल्ड इसका रहता है तो कल्टिवेशन अगर हम करें तो इंडिया के अंदर ऑयल पोटेंशियल अच्छा खासा है तो इसीलिए अभी हम स्कीम लेकर के आए अब हम स्कीम के फीचर्स को समझते हैं तो सबसे पहले तो जो स्कीम है ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नंबर पॉइंट नंबर वन ये याद रखिएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हो गया देखो एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर जनरली क्या होता है सारे का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या होता है इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है सेंटर सपोर्ट करता है फाइनेंशियली लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना पैसा लगाना होता है ठीक है और ये जो आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम है ये पहले एक मिशन चल रहा था जिसको हम बोलते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम ये उसको अब ओवरटेक कर लेगा यानी कि सब्ज्यूम कर लेगा ठीक है जी अब इस स्कीम के अंडर कुछ टारगेट सेट किए गए हैं सबसे पहले तो एरिया के कवरेज की बात की गई है तो स्कीम क्या कहती है कि देखो जी अब हम टारगेट करते हैं 6.5 लाख हेक्टेयर ठीक है एडिशनल एरिया ऑलरेडी 3.70 तो है और साढ़े छह लाख हेक्टेयर हमें ऑयल पाम के अंडर कल्टीवेशन में लेकर के आना है 2025-26 तक ये टारगेट डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछा जा सकता है या ये डेट डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछी जा सकती है वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई स्कीम कह रही है कि डैश लाख हेक्टेयर जगह हमें ऑयल पाम तक लेकर के आनी ऑयल पाम कल्टीवेशन के अंडर लेकर के आनी है दो हजार क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू वो इस तरीके से पूछ सकता है कि स्कीम 2025 26 तक कितने लाख हेक्टेयर एरिया को लेकर के आना चाहती है या ईयर पूछ लेगा कि 6.5 लाख हेक्टेयर कौन से ईयर तक कवर करना है ठीक है जी एंड अल्टीमेटली हमको 10 लाख हेक्टेयर का टारगेट जो है वो अचीव करना है प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्रूड पाम ऑयल की जो प्रोडक्शन है इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 26 तक हम इसको 11.20 लाख टंस लेकर चले जाएंगे एंड 28 लाख ,00 तक के चले जाएंगे 2029 30 तक जो क्रूड पाम ऑयल की हम बात कर रहे हैं अब आपको कि सर पीछे आपने थ्री हंड्रेड uh, में बता रहे थे सो so वो मैं आपको बता दूं कि दैट वाज व्हाट दैट वाज ऑयल सीड प्रोडक्शन एक होता है ऑयल सीड की प्रोडक्शन

बीस हजार पर हेक्टेयर के हिसाब से असिस्टेंस दी जाएगी अगर फार्मर डोमेस्टिक सीडलिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है डोमेस्टिक यानी कि जो देश के अंदर ही जो सीडलिंग्स बेसिकली जनरेट हुए हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड पर हेक्टेयर अगर इंपोर्टेड सीडलिंग का किसान इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए उसको ट्वेंटी पर हेक्टेयर दिया जाएगा ठीक है ट्वेंटी तो अगर आप देखोगे पहले की स्कीम के मुकाबले बारह हजार पर हेक्टेयर का इंक्रीज सरकार यहां पर दे रही है तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है इसके अंदर बीस हजार पर हेक्टेयर डोमेस्टिक सीडलिंग का और उनतीस हजार पर हेक्टेयर हो गया इंपोर्टेड सीडलिंग का ठीक है जी उसके बाद एक स्पेशल असिस्टेंस टू फिफ्टी पर प्लांट की तो आ, अगर बेसिकली जो ओल्ड गार्डन से फार्मर अगर उसको रिप्लांट कर रहे हैं उसको रेजुविनेट कर रहे हैं ओल्ड गार्डन्स को रेजुविनेट कर रहे हैं तो उसमें ढाई पर प्लांट की असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन के ऊपर काफी खा, खास फोकस इसका रहेगा जो आपका स्कीम है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के अंदर ठीक है तो उसमें इन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी हाफ मून टेरेस कल्टीवेशन बायो फेंसिंग के लिए एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी लैंड क्लियरेंस के लिए एक्स्ट्रा असिस्टेंस जो है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन में प्रोवाइड की जाएगी उसके अलावा प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ठीक है जी प्लांटिंग मटेरियल क्या हो गया जैसे सीड गार्डन सीड गार्डन आप अगर कोई ग्रो कर रहा है सीड गार्डन बेसिकली क्या हो गया एक तो हो गया आप प्रॉपर ऑयल पाम की और ऑयल सीड की खेती कर रहे हो एक होता है कि आप एक लैंड को इस्तेमाल कर रहे हो बीज अ... बनाने के लिए ऑयल पाम और ऑयल सीड्स के बीज की जनरेशन के लिए सीड्स की जनरेशन के लिए तो ऐसे जो सीड गार्डन होंगे उनको भी एनकरेज किया जाएगा उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उस केस में असिस्टेंस कितनी होगी जी 100 लाख रुपीस दिए जाएंगे यानी कि एक करोड़ रुपया दिया जाएगा 15 हेक्टेयर तक के लैंड के लिए नॉर्थ ईस्ट और अंडमान रीजन में और 80 लाख रुपया दिया जाएगा 15 हेक्टेयर तक के लैंड के लिए बाकी के हिंदुस्तान के अंदर तो 100 लाख यानी कि वन करोड़ रुपीज फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान रीजन एंड एटी लाख रुपीज फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री अगेन यहां पर आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं उसके बाद आ जाओ जी फंड शेयरिंग के ऊपर कि सेंटर और स्टेट के बीच में फंड शेयरिंग किस तरीके से रहेगी क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाएगी तो जो जनरल कैटेगरी स्टेट है उसके केस में तो फंड शेयरिंग रहेगी सिक्सटी रेशियो फोर्टी साठ पैसे केंद्र सरकार देगी चालीस पैसे राज्य सरकार देगी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के केस में अंडमान के केस में जो शेयरिंग रहेगी वो रहेगी नाइनटी रेशियो टेन की नब्बे पैसे केंद्र सरकार देगी और दस पैसे जो है जो वो कौन देगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी ठीक है जी ये सारे कॉम्पोनेट्स आ गए स्कीम के सब में ये शेयरिंग रहेगी लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या सीड गार्डन है या नर्सरीज हैं या इसके अंदर एक वायबिलिटी गैप पेमेंट का प्रोविजन है अभी हम समझेंगे कि वायबिलिटी गैप पेमेंट के प्रोविजन में क्या है तो इनके लिए हंड्रेड परसेंट जो भी खर्चा होगा वो भारत सरकार देगी तो आर एंडी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सीड गार्डन की जो अभी हमने देखा ना एक करोड़ और अस्सी लाख वाला वो भी पूरे का पूरा केंद्र सरकार देगी नर्सरी अगर कोई डेवलप करनी है उसके लिए भी केंद्र सरकार 100 परसेंट पैसा देगी और वायबिलिटी गैप पेमेंट वाले प्रोविजन के लिए भी केंद्र सरकार 100 परसेंट पैसा देगी इस स्कीम के लिए 2025-26 तक जो टोटल सरकार ने बोला है कि हमें ग्यारह हजार चालीस करोड़ रुपए खर्चेंगे हम इसके अंदर और इसमें से जो भारत सरकार है उसका शेयर रहेगा डबल एट डबल फोर करोड़ रुपीज और बाकी का बचा हुआ टू वन नाइन सिक्स करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू आएगा एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये स्कीम को कहां-कहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा वो रिकमेंड करेगा ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम सर्च की रिपोर्ट ठीक है और स्टेट की रिकमेंडेशंस के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा अब अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं इसके अंदर दो फोकस एरियाज हैं सबसे पहले तो हम यहां पर बात करें तो जो ऑयल पाम फार्मर्स होते हैं वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रूट बंचेस ठीक है जिसमें से बेसिकली ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है पहले तो आप ये समझो कि यार ये दो टर्म्स हैं एफएफबी और सीपीओ इनमें फर्क क्या होता है जो फ्रेश फ्रूट बंचेस होते हैं ना तो इसके अंदर क्या होता है जो ऑयल है उसको मैकेनिकल मशीनों का इस्तेमाल करके पाम ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ठीक है और इसके अंदर आप देखते हो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सिक्सटी टू हंड्रेड मिलियन टन पर आर ऑफ एफ यूज किया जाता है ठीक है तो अगर आपकी प्रोडक्शन होगी तभी तो ये फर्नेसिज और ये इस टाइप की इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी क्योंकि जब आप उनको मटेरियल दोगे तभी तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे सीपीओ क्या होता है सीपीओ बेसिकली क्रूड पाम ऑयल इज प्लांट बेस्ड ऑयल डिराइव फ्रॉम द पल्प इसके अंदर आप मशीनों का बेसिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप पल्प के अंदर से ही बेसिकली ऑयल को डिराइव कर रहे हो ठीक है तो ये मेजर डिफरेंस होता है तो अब देखो जी जो एफ है यानी कि फ्रेश फ्रूट बंचेज है इसका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है और क्योंकि सीपीओ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है इसीलिए एफ भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और फार्मर सिक्योर नहीं फील करता क्योंकि उसको लगता है यार प्राइस ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है रिस्क बढ़ जाता है जब प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है ना तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इंडिया का फार्मर उतना रिस्क शायद लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है तो सरकार कहती है कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हें एक प्राइस इश्योरेंस देंगे ठीक है तुम अपना जो भी ऑयल पाम फार्मर्स हैं जो एफ एफ बी फ्रेश फ्रूट बंचेस ग्रो कर रहे हैं आप निश्चिंत तो होकर के खेती बाड़ी करो हम आपको एक प्राइस एश्योरेंस देंगे थ्रू वायबिलिटी प्राइस अब ये वायबिलिटी प्राइस के अंदर सरकार क्या कह रही है कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे फ्लक्चुएशन से ठीक है अब ये वीपी क्या होगा ये बेसिकली सरकार एक प्राइस सेट कर देगी हर साल ये प्राइस कैसे सेट किया जाएगा सरकार क्या करेगी पिछले पांच साल का एवरेज जो सीपीओ प्राइस है वो लेगी ठीक है और उसको फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ एडजस्ट करके 14.3 परसेंट से मल्टीप्लाई कर देगी इतना ज्यादा इसकी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे होगा 14.3 भी याद रखना है आपने। इसके अंदर इंडस्ट्री जो होगी उसको भी आदेश दिया जाएगा कि 14.3 का जो है आपने मार्जिन रखना है ताकि फार्मर को एक प्राइस इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए और इसको धीरे धीरे सरकार कह रही है कि हम फिफ्टीन के ऊपर ले जाएंगे ठीक है और ये हर साल फिक्स किया जाएगा जैसे एमएसपी सरकार अनाउंस करती है ना वैसे ये हर साल फिक्स किया जाएगा एक नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर की डेट तक के लिए हर साल फिक्स किया जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा फार्मर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि उसको एक प्राइस सिक्योरिटी यहां पर मिल जाएगी और इसके अंदर दूसरी चीज ये है कि स्पेशल फोकस जो है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर डाला जाएगा इसके अंदर सरकार एडिशनल 14.3% के अलावा 2% और एडिशनल कॉस्ट बेयर करेगी ठीक है ताकि वहां पर डेवलपमेंट को एनकरेज किया जाए और जो भी पैसा होगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसान तक पहुंचेगा ताकि अल्टीमेटली बीच के अंदर कोई करप्शन ना हो फाइनली कैपिटल असिस्टेंस का भी इसके अंदर प्रोविजन है ताकि कैपिटल इंडस्ट्री एनकरेज की जा सके ऑयल पाम से रिलेटेड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान के अंदर तो नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के अंदर कैपिटलिस्ट को हेल्प करने के लिए इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सरकार क्या कहती है कि हम तुमको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर भी देंगे कितनी असिस्टेंस देंगे हम तुमको असिस्टेंस देंगे फाइव करोड़ ऑफ फाइव मेट्रिक टन पर हेक्टेयर ठीक है फाइव मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हम आपको जो है पांच करोड़ की यहां पर सब्सिडी देंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सके तो ये पांच करोड़ और फाइव मेट्रिक टन पर हेक्टेयर वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा ठीक है ये लास्ट पॉइंट था हमारी स्कीम का विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्कीम एंड अब अगर इस स्कीम में से कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर करंट के अंदर कोई और चेंज नहीं आता तो अगर जब तक चेंज नहीं आता तब तक तो इस स्कीम में से कुछ भी आ गया आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो एक दो बार लेक्चर को सुनोगे ना मैं एक बता रहा हूं आपको इसमें आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है आप दो तीन बार लेक्चर को सुन लोगे ना उसी में आपका काम हो जाएगा ट्रेन में जा रहे हो बस में जा रहे हो शादी में जा रहे हो कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो ठीक है सुबह सैर कर रहे हो ईयरफोन लगा करके कान में सुन लो अपनी पॉइंट याद हो जाएंगे और क्या हमें हाँ चाहिए है ना तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है वो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे को मिलेगा कॉन्फिडेंस जैसे फार्मर्स को कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना कॉन्फिडेंस देखो फार्मर के लिए एमएसपी या फिर एश्योरेंस प्राइस एश्योरेंस और एक टीचर के लिए स्पेशली जो यूट्यूब के ऊपर बढ़ा रहे हैं उसके लिए सब्सक्राइबर और लाइक्स ठीक है ये दोनों एक एनकरेजमेंट का काम करते हैं और दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन टेक केयर एंड बाय